नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभाष और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज रेलवे भर्ती परीक्षा की आज का ताजा खबर, यानी आज शुक्रवार है, 7 दिसंबर की खबर को लेकर आए हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या कल क्या हुआ एग्जाम में? कल 6 दिसंबर था, आज 7 दिसंबर है, आज अवकाश क्यों है? और ये जो मेला चला 17 सितंबर से लेके अभी तक, कह सकते हैं कि कोई मेला से कम नहीं, 2-2.5 महीना का मेला, वो कब खत्म होने वाला है? अब दोस्तों, आप लोगों का इंतजार खत्म, अब आंसर की भी अब आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी चैनल में नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों को रेलवे परीक्षा की पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दैनिक भास्कर का न्यूज है, जो कि इंडिया का नंबर वन न्यूज एजेंसी में से एक है, नंबर वन यही है दोस्तों दैनिक भास्कर। यहाँ पे देखिए, ये 7 दिसंबर 2018 आज का ही डेट है, और यहाँ पे बताया गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही ग्रुप डी भर्ती ऑनलाइन परीक्षा में शुक्रवार को विधानसभा चुनाव में मतदान को देखते हुए अवकाश रहेगा, यानी आज अवकाश रखा गया है। दोस्तों, यह परीक्षा अब 6 दिन आयोजित की होगी, मतलब दोस्तों अब सिर्फ 6 दिन आपका रह गया है एग्जाम, अब सिर्फ 6 दिन ही रह गए हैं एग्जाम को, उसके बाद ये जो मेला चला रेलवे भर्ती बोर्ड का ग्रुप डी का, वो बंद हो जाएगा। दोस्तों, सभी जो इतने मेहनत करके एग्जाम दिए, सबको अब फल मिलेगा, अब आंसर की आएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, और भी बताया गया है कि यह परीक्षा अब 6 दिन आयोजित की जाएगी, इधर गुरुवार को यानी कल 57% अभ्यर्थी इस परीक्षा में प्रविष्ट हुए, मतलब दोस्तों कल की अगर बात करें तो 57% बच्चे ही हैं जो शामिल हुए थे एग्जाम में, 43% कल एब्सेंट थे। यहाँ पे आंकड़ा भी बताया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष आलोक कुमार मिश्रा ने बताया कि राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में शुक्रवार को मतदान है, इसके चलते रेलवे भर्ती बोर्ड ने अवकाश घोषित किया है। दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए जो है अवकाश घोषित किया है आज। मिश्र जी ने बताया कि अगले सप्ताह में सोमवार से वापस परीक्षा शुरू होगी, मतलब दोस्तों सोमवार से फिर से परीक्षा शुरू होगी, जो अगले सप्ताह में 5 दिन परीक्षा होगी, अब सिर्फ 5 दिन परीक्षा रह गया है, सोमवार से लेकर 17 सितंबर तक चलेगा, आखिरी दिन 17 सितंबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से गुरुवार को 3 पारियों में ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था, यानी कल तीनों पारियों में करीब 37,000 अभ्यर्थी को कॉल किया गया था, करीब 37,000 अभ्यर्थी कल आने वाले थे, लेकिन कितने बच्चे आए, ओनली 21,000। यहाँ भी दोस्तों जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 16,000 बच्चे जो है कल एब्सेंट रहे हैं, सिर्फ कल 16,000 बच्चे 37,000 में, मतलब दोस्तों 57% कल का अटेंडेंस रहा, तो यह अटेंडेंस रेगुलर ही कम रह रहा है, रेगुलर जो है अटेंडेंस आपका कम ही रह रहा है, जो 60% बताया जा रहा है कि ओवरऑल 60% अटेंडेंस ही है, तो ये सच है कि 60% अटेंडेंस ही है फ्रेंड्स। तो जिन्होंने परीक्षा दी है, मैं उनसे दिल से बोलना चाहूँगा कि दोस्तों सिलेक्शन होगा, पक्का होगा, तो प्लीज़ अब ज़्यादा दिन और नहीं बचा है दोस्तों, फिजिकल की तैयारी आप लोग कीजिए, जितने भी नंबर बन रहे हैं 40, 45, 50, आप फिजिकल की तैयारी करो यार, क्योंकि सिलेक्शन होगा। 2013 के मुकाबले 2018 में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है फ्रेंड्स, वैकेंसी को लेके, मैं एग्ज़ाम लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, वैकेंसी को लेके, ठीक है, और कटअप में कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं आएगा फ्रेंड्स, कम रहेगा कटअप, तो प्लीज़ जो है फिजिकल की तैयारी आप लोग कीजिएगा। वो औसतन जो एवरेज औसत की बात करें तो दोस्तों, एवरेज कटअप की अगर बात करें तो 50-55, ठीक है, ये 50-55 एवरेज औसत रहेगा, एवरेज रहेगा मतलब कटअप का, दोस्तों ज़्यादा बच्चों का इतना मार्क्स आएगा, ये आप जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड रहा है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड। तो फ्रेंड्स प्लीज़ फिजिकल की तैयारी कीजिए, मैं यही आप लोगों को बोलूँगा, और अगर कुछ भी चाहिए स्टडी मटेरियल तो आप मेरे को पर्सनली मेल करना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पूरी तरह से हेल्प कर रहा हूं, तो कुछ भी अगर हेल्प चाहिए तो आप लोग मेरे से मांग लेना, मैं आप लोगों को करा दूंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही जानकारी देना थी, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही अगर चैनल में नए आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, जय हिंद,
वंदे मातरम।